भगवान से प्रार्थना कि प्रभु मैं आपके पूजन को नहीं जानता, विधि विधान को नहीं जानता, आपकी पूजा कैसी की जाए, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं। इसलिए मैं इस विषय में नहीं जानता। भगवान शिव के प्रार्थना स्तुति के बाद भगवान शिव का जो प्रसाद है कहते हैं शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज सुनते हैं कि भगवान शिव के प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इसमें शास्त्र क्या कहता है इस विषय में? एक तो आप ये बताइए और दूसरा फिल्म के महात्म को आप बताइए, शौनकादि ऋषियों के वचनों को श्रवण करके सूत जी ने कहा देखो जो ज्योतिर्लिंग स्वयं और जो नर्मदा से प्रकट हुई, जैसे मुक्ति धाम में हर कंकण शालिग्राम, हर कंकण शालिग्राम, ऐसे ही नर्मदा के में हर कंकण शिव, तो नर्मदा से निकली हुई जो नर्मदेश्वर है उसकी कहते स्थापना भी नहीं होती, वो तो स्वयं स्थापित है। जैसे शालिग्राम की प्रतिष्ठा नहीं होती है, वो स्वयं प्रतिष्ठित है, वैसे नर्मदेश्वर स्वयं प्रतिष्ठित है। तो ज्योतिर्लिंग की ऐसे तो और भी शिवलिंग है, अन्य जितने भी शिव लिंग इत्यादि है केवल उसका सेवन योगी ही कर सकता है। हम सदगृहस्थों के लिए उनके प्रसाद ग्राह्य नहीं। सूत जी कहते हैं देखो बिल्व पत्र का जो वृक्ष है ये भगवान का ही स्वरूप है, शिव स्वरूप है। इसके पूजन से बिल्व के अर्चन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसमें लक्ष्मी निवास करती है बिल्व वृक्ष।
स्वयं भगवान। ये जो हम बिल्व पत्र चढ़ाते हैं भगवान शिव को, ये बिल्व पत्र भगवान शिव का ही रूप है। आगे चल करके हम लोग श्रवण करेंगे कि ये बिल्व पत्र है, भस्म है, रुद्राक्ष है, ये सब के सब शिव स्वरूप ही है। तो बिल्व वृक्ष के पूजन में, और एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, कभी भी भगवत सेवा, भगवत पूजा, भगवत आराधना किसी कामना को लेकर के मत करना। निष्काम भाव से, अगर ज्यादा ही मांगना हो और मांगने की इच्छा हो तो शिव चरणों की, भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करना कि प्रभु बस आपकी चरणों की सेवा मुझे प्राप्त होती रहे। और कुछ नहीं चाहिए। आपका प्यार बना रहे, प्राप्त होता रहे, आपके चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हो, और कुछ नहीं। क्योंकि जो चीज तुम मांग रहे हो, कई बार ऐसा भी होता है हम लोग मांगते हैं लेकिन उसकी पूर्ति भगवान नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए क्योंकि हम अज्ञानी है, अज्ञानतावश हम मांग बैठते हैं, लेकिन भगवान शिव को सब कुछ पता है, इसलिए वो जानते हैं कि अगर इसको मैंने ये वस्तु दिया तो क्या होगा। जैसे छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं होता है कि आग में चाकू पकड़ूंगा तो हाथ कट जाएगा, लेकिन माँ को ज्ञान होते हैं कि अगर इसको चाकू दे दिया तो ये हाथ काट लेगा। इसलिए बच्चा चाहे कितना भी रोता है लेकिन माँ उसे चाकू नहीं देती। ऐसे ही भगवान शिव अपने भक्तों को वही वस्तु देते, प्रदान करते हैं जो जीव के हित। इसलिए भगवान शिव कभी भी कोई भी वस्तु अहित नहीं। लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। भोलेनाथ अब तो तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जा।
अब तुम, हमने तुमसे रिश्ता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया है, अब आगे क्या होगा ये तू जानो, इसलिए लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे
सब बेच खा बैठी हरे जो होगा देखा जाएगा शर्म अब बेच खा बैठी जो होगा देखा जाएगा शर्म अब बेच खा बैठी सबसे दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा सबसे दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा सबसे दिल हटा बैठे Hey,
तो जब हमने उसको अपना बना लिया, शिव हमारे हैं और हम शिव, दुनिया हमारा नहीं है। दुनिया तो भैया स्वार्थ की है। सुरनर मुनि सबके यह रीति और स्वार्थ लाग करे सब। तो भैया ये तो स्वार्थ की संसार है। और आप से कोई प्रेम करता है ना तो स्वार्थ बस, सच्चा प्रेम तो भगवान ही कर, शिव ही करते। इसलिए मेरे भाई तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। तो बिल्व पत्र की, बिल्व की महिमा बताई है। देखो भगवान शिव के भगवान नारायण है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। ये सब आभूषण धारण करते हैं, हीरे जवाहरात पन्ना है? लेकिन हमारे बाबा रुद्राक्ष, कहते हैं ये रुद्राक्ष क्या है?
ये भगवान शिव जो भगवती उमा वियोग में, जो भगवान शिव के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हुआ है ना, यही रुद्राक्ष बन गया। और ये रुद्राक्ष क्योंकि तपस्या करते करते भगवान सती का जब वियोग हुआ था तो भगवान तपस्या कर में तल्लीन थे और अचानक याद आई और मन क्षुब्ध हुआ और भगवान के नेत्र से अश्रु प्रवाह हुए और वही गौर देश से लेकर के मथुरा अयोध्या काशी लंका मलयाचल आदि स्थानों पे जो गिरा तो वही रुद्राक्ष का पेड़ हो गया, वृक्ष हो गया और वही रुद्राक्ष शिव पुराण में दिया है कि एक से लेकर के और 14 मुख तक शिव पुराण में रुद्राक्ष का बताया। रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र भी शिव पुराण में दिया है, ओम नमः क्लीम नमः ह्रीम नमः ह्रीम नमः ह्रीम हुम नमः इत्यादि, ये रुद्राक्ष को धारण करने का। कहती जो सबसे छोटा होता है वो अति महत्वपूर्ण होता है। एक मुख की रुद्राक्ष तो प्रायः नहीं मिलते। अब आजकल तो लोग बेचने वाले जोर जार करके और बेच देते, लेकिन एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो प्रायः कम ही मिलता है। रुद्राक्ष का एक मापदंड है, कहते रुद्राक्ष आमले की फल की बराबर अति श्रेष्ठ माना गया। जो आमले के फल के बराबर कांटेदार भगवान के रूप ही रुद्राक्ष को भी माना है, शिव रूप ही माना। इसलिए आप ये समझ लें कि तीन वस्तु जिसके गले में होते हैं या समीप होता है एक तो मस्तक पर भस्म शिव पूजा में भस्म धारण करना अति श्रेष्ठ माना गया। वैसे भी देव पूजा में किसी भी देवता की पूजा करें तो स्वयं देव बन करें
देवो भूत्वा देवो यजेत, स्वयं देव बन कर। ये नहीं जैसा तैसा कपड़ा उठाया पहन लिया और चल दिए भगवान की सेवा में, नहीं। सुंदर वस्त्र धारण करके, श्रृंगार करके, स्त्री है तो पूरी श्रृंगार करके, पुरुष है तो भस्म धारण करके, और इसके बाद गले में रुद्राक्ष धारण करके, और फिर भगवान शिव की सेवा में प्रसन्न। जिसके मस्तक पर भस्म नहीं है, गले में रुद्राक्ष नहीं है, कहते हैं कि जिसके मस्तक पर भस्म हो और गले में रुद्राक्ष हो तो भूत प्रेत भी देख करके भाग जाते हैं। ये कोई उसके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आ सकता, ध्यान रखना। वैसे भी कहते हैं कि जीव के गले में अगर रुद्राक्ष है, चाहे तुलसी का कंठी है, तुलसी माला है, उसको यमदूत नहीं ले जाते। क्या? क्योंकि ये शिव का भक्त है, ये नारायण का। उस सीधे शिवलोक की प्राप्ति उसे होता है श्रुति जी कहते हैं शौनक, एक समय की बात, ब्रह्मा जी का पुत्र नारद घूमते घूमते हिमालय के चक्कर लगाते हुए मन में एक अभिलाषा उत्पन्न कि घूमते घूमते इतने साल हो गए, चलो कुछ भजन कर। अब भजन करने के लिए नियत स्थान हो, कई बार लोग कहते महाराज माला लेकर के बैठता मन नहीं लगता, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का मन का मैं। कर का मन का डार के, अरे मन का मेल, माला लेके बैठे अमनी राम घूम रहा, चक्कर लगा रहा। मेरे भाई माला लेके बैठे हो, मनीराम घूम रहा है, ये तो भजन नहीं हुआ ना। हाँ ठीक है, ना से हाँ अच्छा है, लेकिन सही अर्थ में अगर आप देखे तो भजन नहीं। जब मन ही नहीं है तब फिर भजन कैसे करोगे?
अरे कोई काम तो मन से होता है। मारा लेके बैठे, अरे बहू देखियो दूध न उफन जाए। अरे माला पहन रहे हो या दूध को देख रहे हो? कथा में बैठे बार बार घड़ी देख रहे, कब बाबा अपने मुंह को बंद करे, चाय का टाइम हो गई है। भजन में, सत्संग में, कथा में अगर तुम्हारा मन विचलित हो गया तो इसका मतलब भजन करने का, कथा सुनने का कोई फायदा। अब भूख लगी है, अब गुरु जी ने कहे हैं कि पांच माला बेटा जरूर फेरना। अब पहले माला फेरूं या पहले परौठे खा लूं? अगर बार बार याद तुम्हें परौठे की आ रही है तो पहले परौठा खा लो, माला बाद में फेर। कम से कम शांति से तो फेर सकते हो। मन को, इंद्रिय को एकाग्र करके समाधिस्थ होकर के, आपने तस्वीर देखा होगा भगवान भोलेनाथ का नेत्र हमेशा बंद रहता है। कोई कोई ऐसी तस्वीर होती है जिसमें भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुले होते हैं, अरे तो प्राय तो आधा तो बंद रहता ही रहता। क्यों? क्योंकि आहार आने से। नारायण नारायण भजो मने Thank you.
बजाते हुए हरि गुण गाते हुए नारद जी महाराज गंगा किनारे किनारे घूमते हुए जा रहे। मन में इच्छा हुई कि थोड़ी सी साधना कर लेनी चाहिए। देखो जीवन में साधना अति आवश्यक, साधना करने से हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। साधना करने से हमें ऊर्जा मिलता है। हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आगे चल करके हम लोग कथा श्रवण करेंगे कि अर्जुन का और किरात का जो युद्ध हुआ एक जंगली सुगर के पीछे, अर्जुन ने भी बाण मारे और किरात ने भी बाण मारा। अर्जुन ने बाण मारे, आगे से निकल गया, किरात ने बाण मारे पीछे से निकल गया। यहां तक कि किरात में और अर्जुन में गुत्थम गुत्था भी हुई। और जब किरात को अर्जुन परास्त नहीं कर सका तो अर्जुन ने सोचा चलो भगवान शिव को पूजन करके थोड़ी शक्ति प्राप्त कर लूं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरा शक्ति अब क्षीण हो चुका है। तो जब वो पूजन करने के लिए गए और शक्ति प्राप्त करने के लिए गए तो जो कुछ भी चढ़ा रहे हैं उस सब भगवान भोलेनाथ को प्राप्त हो रहा है। तो इससे शक्ति मिलती है, पूजन से, तप से, जप से आत्मबल मिलता है, आत्म शांति प्राप्त होती है। पैसे से, धन से आत्म शांति नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, चाहे कितना भी आपके पास हो जाए। आपके पास चाहे कितना भी धन हो जाए, कितने भी ऐश्वर्य हो जाए, लेकिन आत्म शांति नहीं मिलेगा, आत्म सुख नहीं मिलेगा। उसके लिए तो भजन ही श्रेष्ठ, तप ही श्रेष्ठ। तो नारद जी महाराज सोचने लगे कि थोड़ा सा भजन कर लेना चाहिए, तप कर लेना चाहिए, क्योंकि तप करने से जीवन में निखार आता, प्रकाश आता।
व्यास आश्रम से पीछे भी आप लोगों को बताया गया था कि जैसे सोने को अगर खदान में से निकाल के लाओ तो क्या होता है, मिट्टी होता है। जब उसे अग्नि में तपाया जाता है तब जाकर के उस स्वर्ण में, उस गोल्ड में प्रकाश निकलता है, तेज आता है। तो जब तक तप रूपी अग्नि में अपने आप को नहीं तपाओगे तब तक प्रकाश कहां से आएगा, तेज कहां से निकलेगा। इसके लिए अग्नि में तपाना पड़ेगा। और इसीलिए नारद जी महाराज घूमते घूमते ये विचार कर रहे हैं और उसी समय उन्होंने एक गुफा देखा। जा करके गुफा में समाधि ली और समाधि लेकर के भजन कर, और उग्र तप किया, अपने समस्त इंद्रियों मन को समाहित करके तप कर। कोई तपस्या करता है ना तो इंद्र को बड़ा डर लगता है। काहे बात की डर, कुर्सी ना छीन जाए, कुर्सी की बड़ा लड़ाई है भाई। आजकल भी देख रहे हो ये कुर्सी की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को गाली देते, वो उसको गाली देता, उसको गाली देता, क्या है ये कुर्सी की तो लड़ाई है। इंद्र को भी ऐसे ही बड़ा डर रहता है, कोई तपस्या करना शुरू करे तो इंद्र सोचता अरे अब तो मेरा कुर्सी गया खतरे में, और बस वो तुरंत कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिससे वो तपस्या भंग हो जाए। आपने कथा सुनी होगी, विश्वामित्र जी तप कर रहे थे, उस समय इंद्र घबरा करके और अप्सरा को भेजे और तपस्या भंग कर दी। तो नारद जी महाराज जब तप कर रहे थे, इंद्र घबराया और अपने मित्र काम के पास, काम जाओ, नारद जी तप कर रहे हैं, उनके तप को भंग करो। काम चला, काम के नाम एक है मदन, एक नाम है काम और तीसरा नाम है मनमथ। जो मन को मथ दे, मंथन कर दे, वही काम है। मथने का मतलब है जो मथ करके वासना को जागृत कर दे, वही काम है। और काम के पांच बाण हैं, ये जो पुष्पक बाण है ना, ये पांच है काम। शब्द, स्पर्श, रूप,
रस और गंध, ये पांच काम के बाण हैं और इसी में जीव फंस जाता है। इसी पांच अरे भागवत में तो इस पांचों को विषया बताया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध को आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि धुंधकारी ने पांच विषया को जो रखा था ना लाकर के घर में, ये यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही पांच विषया थे। और काम का भी यही बाण है, कोई मधुर वर शब्द बोला और फंस गया, कोई सुंदरी सामने आई और फंस गया। स्पर्श किया सुखद लगा फंस गया, सुवास ली सुगंध सुंदर मिले फंस गया, और जिह्वा पे रस का आनंद आया और फंस गया। यही पांचों बाणों से कामदेव जीव को आहत करता फंसाता है। वासना की जागृत करता है काम, तो नारद जी जब तपस्या कर रहे थे तो इंद्र के कहने पर काम ने इन्हीं पांचों बाणों का प्रयोग किया, लेकिन सारा का सारा विफल हो गया। नारद जी को कुछ कर नहीं पाए, जब कुछ नहीं कर सका काम नारद का, काम चला गया। अब नारद जी ने देखा कि काम आया, अपने पांचों बाणों का प्रयोग किया लेकिन परास्त हो गया, कुछ नहीं कर पाया मेरे को। अब तो नारद जी गुफा से निकल करके सीधे भगवान शिव के पास कैलाश। बाबा ने कहा नारद बड़े प्रसन्न लग रहे हो, क्या बात है? अरे महाराज क्या बताऊं, मैंने काम को परास्त कर दिया, भगवान शिव ने कहा। अच्छा नारद जी, ये आपका सामर्थ्य नहीं है कि आपने काम को परास्त किया, ये तो उस स्थान का प्रभाव है, क्योंकि जिस स्थान में, जिस स्थान पर, जिस गुफा में नारद जी ने तप किए थे, उस गुफा में भगवान शिव सती के वियोग के बाद
समाधिस्थ होकर के तप किए थे बहुत कालों तक। कामदेव ने भगवान शिव को भी अपने इन बाणों से आहत करने का प्रयत्न किया। लेकिन भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा काम का दहन कर दिया। अब रति आई रोती कि महाराज कृपा करो मेरे पति को जीवित कर दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा अब तो ये जीवित होने वाला है नहीं। ये अब जीवित तब होगा जब भगवान नारायण अवतार कृष्ण के रूप में धारण करेंगे, तो कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त होगा।